A very good morning to all of you students and welcome in English class. Students, in this class we are going to complete the exercises of your workbook. Okay, हमने book की सभी exercises को complete कर लिया है. After then, we are going to complete the exercises of workbook. So the first question is here. Question number B. टिक द करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, आपने इनके करेक्ट आंसर को ही टिक करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कलर ऑफ द पैरट्स बीक. ओके, जो पैरट की बीक यानी कि चोंच होती है उसका क्या कलर होता है, येलो, ग्रीन, रेड या पिंक. यस, इट्स कलर इज रेड. सो आपने रेड को टिक करना है. ओके, सेकेंड ऑन पेज नंबर 37 इज सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिट्ठू लाइक. मिट्ठू को क्या पसंद है, बनाना, गुआवा, पीनट्स, मैंगो. आपने स्टोरी में रीड किया है कि जो मिट्ठू है उसको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है. सो राइट आंसर विल बी मैंगो. सो यू हैव टू टिक मैंगो. नेक्स्ट इज थर्ड मिट्ठू वॉज अफ्रेड ऑफ द. मिट्ठू किससे डर गया, अफ्रेड होता है डर जाना, क्रो, काउ, स्नेक, डॉग, किससे डर गया था वो. स्टोरी में हमारे ये बाकी एनिमल्स तो है ही नहीं, क्या है, क्रो. सो वो किससे अफ्रेड हो गया था, क्रो से. सो आपको क्रो पर टिक करना है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज हु पिक्ड अप द रेड बैलून. रेड बैलून को किसने पिकअप किया था यानी कि ऊपर उठाया था, द क्रो ने, द मंकी ने, द हैन या फिर द पैरट. यस ऑफकोर्स द पैरट ने, जो मिट्ठू पैरट है उसने बैलून को पिकअप किया था. ओके, फिफ्थ वन इज हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री. ट्री पर कौन बैठा हुआ था, सिटिंग होता है बैठना, द क्रो, द पैरट, द स्नेक, द लायन. यस द क्रो. तो आपने द क्रो को टिक करना है. नेक्स्ट इज सी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. आपने इन फिल इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, वन डे डैश वॉज फ्लाइंग. कौन फ्लाई कर रहा था, मिट्ठू. आपने मिट्ठू का एम कैपिटल राइट करना है बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ ए पैरट, एम आई डबल टी यू, मिट्ठू. सेकेंड इज मिट्ठू सा अ बिग येलो डैश ऑन अ डैश. तो मिट्ठू ने बिग येलो क्या देखा, मैंगो. ऑन अ किस पर देखा, ट्री पर. सो आपको यहाँ पर मैंगो एंड ट्री फिल करना है. थर्ड वन इज काउ काउ गो गो द क्रो. अब ऐसा काउ काउ गो गो, क्रो ने ये क्या किया, शाउट किया था. ठीक है, स्टोरी में हमने रीड किया है कि क्रो शाउटेड काउ काउ गो गो. ठीक है, उसने किस पर शाउट किया था, पैरट पर. ऐसा शाउट किया था कि यहाँ से चले जाओ, एस एच ओ यू टी ई डी, शाउटेड. नेक्स्ट फोर्थ वन इज द क्रो थॉट दैट अ बिग डैश इज आफ्टर हिम. उसको लगा कि उसके पीछे, उसे क्रो ने क्या सोचा कि उसके पीछे क्या है, बिग गन. यस गन, जी यू एन, गन आपको यहाँ पर फिल करना है. नेक्स्ट इज पैरट पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक. ओके, पैरट ने क्या किया, वो अपनी चोंच से चोंच मारी, उसको किसको मारी, बैलून को मारी, अपनी रेड बीक से, अपनी लाल चोंच से उसने बैलून को ऐसे चोंच मारी. ठीक है, सो आपने पैक्ड एंड बैलून यहाँ पर राइट करना है. नेक्स्ट इज डी क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपने ट्रू और फॉल्स को राइट करना है. फर्स्ट इज मिट्ठू लव्ड टू फ्लाई. मिट्ठू को फ्लाई करना अच्छा लगता था. यस इट इज ट्रू. सो यू हैव टू राइट हियर टी. सेकेंड वन इज मिट्ठू सा अ बिग वाइट क्रेन. क्रेन होता है सारस, वाइट कलर का सारस होता है क्रेन. सो हमने स्टोरी में तो क्रेन का कभी कोई नाम आया ही नहीं है, तो मिट्ठू ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है. सो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. सो यू हैव टू राइट हेयर एफ. थर्ड इज द क्रो हैड अ वेरी स्वीट वॉइस. जो क्रो है उसकी बहुत ही स्वीट वॉइस थी. नो, क्रो की तो बहुत ही जो है वो लाउडली शार्प वॉइस थी. सो इट इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन योर नेक्स्ट पेज इज फोर्थ वन इज मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री.
यस, मिट्ठू कहाँ चला गया था? बिहाइंड द ट्री चला गया था क्रो को डराने के लिए. फिफ्थ, द क्रो नेवर कम बैक टू द ट्री. जो क्रो है एक बार वहाँ से डर के जब चला गया था तो वो दोबारा वापस वहाँ पर नहीं आया. ही नेवर केम बैक टू द ट्री, यानी कि वो ट्री पर दोबारा नहीं आया. यस, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू. सो यू हैव टू राइट हियर टी. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ई, राइट द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स. आपको इन वर्ड्स के प्लूरल राइट करने हैं. ओके, सिंगुलर आपको दिए हैं, आपने इनके प्लूरल बनाने होते हैं. सिंगुलर का मतलब है सिंगल वन, कोई चीज़ जो सिंगल एक दी है. जिन वर्ड से हमें ये पता चलता है कि ये जो है वो एक सिंगल चीज़ है, दैट इज़ सिंगुलर. एंड प्लूरल मीन्स कि मैनी, एक से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं, मैनी थिंग्स को हम प्लूरल बोलेंगे. सो पैरेट का होगा पैरेट्स, बीक बीक्स, क्रो क्रोज, आइडिया आइडियाज, मैंगो मैंगोज, ट्री ट्रीज, बैलून वन बैलून, मैनी हो जाएंगे तो बैलून्स, गन वन गन, एंड मैनी हो जाएंगे तो गन्स. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर एफ, सर्कल द वर्ड्स विच आर स्पेल्ड करेक्टली. ऐसे आपने उन वर्ड्स को आपने सर्कल करना है जो कि करेक्ट स्पेलिंग के साथ राइट किए. यहाँ पर कुछ एक जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग दी हुई है, आपने फिर भी उनको क्या करना है, करेक्ट उनकी स्पेलिंग करनी है. जस्ट लाइक बीक बीक बीक, ठीक है. लेकिन जो बी ई ए के होती है बीक, दैट इज चोंच, उसकी स्पेलिंग बी ई ए के होती है बीक. सो आपने इसको सर्कल करना है. नेक्स्ट इज ब्लैक. अब ब्लैक की स्पेलिंग आपको मालूम है, बी एल ए सी के ब्लैक, तो आपने इसको सर्कल करना है. नेक्स्ट इज अफ्रेड, ए एफ आर ए आई डी अफ्रेड, आपने इसको सर्कल करना है, इस वाली स्पेलिंग को. नेक्स्ट इज बैलून, सो बी ए डबल एल डबल ओ एन, बैलून की स्पेलिंग होती है, तो आपने इस सही वाली स्पेलिंग को सर्कल करना है. नेक्स्ट इज पैक्ड, पैक्ड मीन्स पी ई सी के ई डी पैक्ड, सो आपने इसको सर्कल करना है. नेक्स्ट इज केयरफुल, सी ए आर ई एफ यू एल केयरफुल, आपने इसको सर्कल करना है. नेक्स्ट जो स्पेलिंग है दैट इज नॉइज, एन ओ आई एस ई नॉइज, सो आपने एन ओ आई एस ई को सर्कल करना है. नेक्स्ट वन इज क्लेवर, सी एल ई वी ई आर क्लेवर, आपने स्टोरी में रीड किया है क्लेवर मिट्ठू, सो क्लेवर की स्पेलिंग सी एल ई वी ई आर क्लेवर है. ओके, सो इन दिस वे वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ योर वर्कबुक एंड बुक. ओके, बाकी जो वर्कबुक में आपकी एक्सरसाइजेस हैं वो ऑलरेडी आपकी बुक में भी हैं, जिनको आपने कर लिया है. सो ये रिमेनिंग एक्सरसाइजेस थी जो हमें वर्कबुक की रह गई थी. सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइजेस ऑन योर वर्कबुक. सो आई होप यू लर्न इट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.